वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम. आपको वेरीफाई करना है इन पॉलिनोमियल का, इनके सामने जो दिया हुआ है क्या वो जीरो है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है. बस इसी चीज को आपको वेरीफाई करना है. ठीक, तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. कैसे ये करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखो जरा. चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को. काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं क्लास नाइन्थ के लिए. थोड़ा कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ मैं. हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 3x+1. पहला क्वेश्चन गिवन है 3x+1 और हमें प्रूफ करना है इसका जीरो -1/3 है या नहीं. तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. ध्यान से देखिएगा. अब जीरोस फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं. ये बेस्ट मेथड है पहला वाला, एक मेथड और है इसके बाद में उसको डिस्कस करूँगा. तो अब चेक करना है क्या ये इसका ज़ीरो है. तो भाई इसके लिए आपको x की जगह पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी है. x=1/3 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. तो करा पुट, देखो मैंने पुट x=-1/3 यहाँ पुट किया. ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आया ज़ीरो. अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो ये इसका ज़ीरो है, अगर आंसर ज़ीरो नहीं आया तो ये इसका ज़ीरो नहीं है. तो क्वेश्चन का जो थीम निकल गया है वो ये है, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे आंसर ज़ीरो आ जाए वो वैल्यू उसकी ज़ीरो कहलाएगी. ये परसों पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को. तो आया समझ में, हमें चेक करना था क्या ये इसका ज़ीरो है. एक्स से पुट कर दो, अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो है, आंसर ज़ीरो नहीं आता ज़ीरो नहीं है. पहला मेथड. दूसरा मेथड ध्यान से देखिए, इसका ज़ीरो निकाल दो, इसका ज़ीरो फाइंड कर लो. ज़ीरो जब फाइंड करा ये आ गया, अगर ये आ गया इसका मतलब है नहीं आया तो नहीं है. बहुत सिंपल, ज़ीरो फाइंड कर लो. और ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं. तो एक लाइन में लिखवा देता हूँ मैं आपको, लिखनी नहीं है आप स्टार्टिंग में कहीं लिख लेना, फॉर फाइंडिंग ज़ीरो ज़ीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो. ये लाइन याद रखना. तो इसका ज़ीरो फाइंड कर लो अपने आप, अगर ये आया तो है, ये नहीं आया तो नहीं है. आई बात समझ, बट वी प्रीफर फर्स्ट मेथड. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को. सेकेंड है 5x-π. हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये इसका ज़ीरो है, क्या ये इसका ज़ीरो है. x की जगह पे 4/5 पुट कर दो. ये पुट किया देखो, देयर फोर पी एक्स की जगह पे 4/5 कट गया. ये 4-π, पाई की वैल्यू पुट करने को उसने कहा ही नहीं तो हमने करी भी नहीं. क्या ये ज़ीरो के इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. हैंस 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स. इसका मतलब ये पी एक्स का ज़ीरो नहीं है. मतलब इक्वल टू में जीरो आया आंसर तो है ज़ीरो है, इक्वल टू में ज़ीरो नहीं आया तो आंसर ज़ीरो नहीं है. थर्ड पार्ट में दो क्वेश्चन बोले उसने, वन को भी चेक करो -1 को भी चेक करो. तो मतलब वन पुट करके देख लो ज़ीरो आ गया, फिर -1 पुट करके देख लो ज़ीरो आ गया. इसका मतलब -1 और 1 पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं. कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है. नेक्स्ट टू पार्ट्स वेरी सिंपल. सिक्स्थ पार्ट देखिए, LX+M एक्स जगह पे -M/L पुट कर दो. डरो मत, MLL ABCD सब कुछ नहीं है, -M/L ये हमने पुट किया, -M/L L इंटू एक्स की जगह पर रखा -M/L, L से L कटा, -1 बचा, -1+1 एल इट इज M से M कटा ज़ीरो. इसका मतलब इसका ज़ीरो है. कितना सिंपल. देखिए लास्ट पार्ट, 3x²-1 ये सॉल्व करना है, ये पुट करना है, फिर ये पुट करना है. तो मैंने -1/√3 पुट किया, x=-1/√3 ये पुट किया, यहाँ पर आ गया. अब ध्यान से देखो, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है,
माइनस वन का जब स्क्वायर किया तो प्लस वन आया क्योंकि पावर इवन है, थ्री से थ्री कटा, वन माइनस वन जीरो। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। एक्स का भी टू अपॉन रूट थ्री पुट किया, टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री से थ्री कट गया, फोर माइनस वन थ्री, क्या जीरो के इक्वल आया? जीरो के इक्वल नहीं आया। जीरो के इक्वल आता तो जीरो होता, जीरो के इक्वल नहीं आया तो जीरो नहीं है। तो लिख देंगे, हैंस पहला वाला इज जीरो ऑफ पी एक्स, दूसरा वाला इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो टू, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें जीरो फाइंड करना है, तो बच्चों इसका जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड मेथड बताया था, सेकंड मेथड में जीरो हमने फाइंड किया था, तो इस बारे में वो तो हमें मेथड था यूज करें या ना करें, लेकिन इस क्वेश्चन में जीरो हमें फाइंड करने के लिए इसने कहा है, तो हमें जीरो फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। ये जीरो निकालना है, पी एक्स है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जीरोज निकालने के लिए पी एक्स को जीरो पुट करेंगे। ये लाइन याद रख लो, जीरो निकालने के लिए पी एक्स को जीरो पुट करेंगे, क्लास टेंथ का टॉपिक है। तो फोर जीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स तो एक्स प्लस फाइव था, इसका मतलब एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई फाइव में जाकर बन गया माइनस फाइव, इसका मतलब रूट माइनस फाइव इज जीरो ऑफ पी एक्स, देयर फोर माइनस फाइव इज जीरो ऑफ पी एक्स। सेकेंड पार्ट सेम है, x माइनस फाइव को जीरो पुट किया, x की वैल्यू हो गई फाइव, फाइव इज जीरो ऑफ पी एक्स। थर्ड पार्ट सेम है, फोर जीरो पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, मतलब टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू टू से लगाया नीचे माइनस फाइव बाई टू, मतलब माइनस फाइव बाई टू इज जीरो ऑफ पी एक्स। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होमवर्क फिफ्थ, थ्री एक्स, थ्री एक्स को जीरो पुट कर दो, x को हो गया जीरो अपॉन थ्री, जीरो के नीचे कुछ भी आ जाओ जीरो बन जाएगा, तो जीरो इज जीरो ऑफ पी एक्स, इसका जीरो क्या है, जीरो ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स पार्ट ए एक्स, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पुट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू जीरो, इससे घबराओ मत, अभी समझाऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। फोर जीरो पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो के नीचे आ गया जीरो अपॉन ए, जीरो के नीचे कुछ भी आ जाए जीरो बन जाएगा, तो एक्स का एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इज जीरो ऑफ पी एक्स। बहुत सिंपल था, अगर ये हमें ना भी देता तो भी हम ये कर लेते हैं आराम से। अच्छा अब ये दिया क्यों है, इसकी बात भी सुन ले, हर बात पता होनी चाहिए ना हमें। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो इसने बोला, अगर ए जीरो के इक्वल हो जाता तो भैया एक्स भी जीरो के इक्वल यहीं हो जाता ही है, आ रही बात समझ। तो इसने बोला ए जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए की कुछ वैल्यू रही होगी, तभी तो नीचे लेकर आए, तभी तो कटा, कटा नहीं मतलब जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो गया। तो बस यही है, कंफ्यूज करने के लिए फालतू की हरकत करता है। सेवन पार्ट सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो के इक्वल नहीं है। अब देखो इसने एक और हरकत करी फालतू में, सी डी आर रियल नंबर, अरे भाई हम तो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर ही होती है, हमने पहले पढ़ा, क्योंकि रियल नंबर के अलावा दूसरा नंबर होगा इमेजिनरी नंबर, वो तो हम पढ़ते ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे आ जाइए, फोर जीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स हो गया माइनस डी, एक्स हो गया माइनस डी अपॉन सी, तो माइनस डी अपॉन सी इज जीरो ऑफ एक्स। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बहुत सिंपल ये एक्सरसाइज थी, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो 2.1 हमने पढ़ ली, 2.2 हमने पढ़ ली, आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5। होमवर्क मैं दे देता हूँ यहाँ पे, होमवर्क एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल है ये 3, 4 एंड 5, ये आपको करने हैं कॉपी पे। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगी ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस में सारी वीडियोस के थ्रू। नहीं भी समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो एक्स वाई जेड 24/7 आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, टिल दैट हैव अ नाइस डे।